आज जो दिल्ली के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा और आज जो ये लड़ाई झगड़ा एमसीडी में हुआ, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने दो बातें प्रमुख रूप से कही। एक, उन्होंने पहला आरोप लगाया कि सारे पार्षदों का जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ क्यों हुआ। मैं आपको दिल्ली सरकार का 5 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। यह नोटिफिकेशन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री सत्या शर्मा, क्योंकि एक इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपथ दिलाता है। ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है, ऐसे हमारे विधानसभा में भी होता है। और ये आगे कहता है कि सुश्री सत्या शर्मा को श्री संतोष कुमार राय जिला दंडाधिकारी, जो वहां के डीएम है, नई दिल्ली द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो आखिरी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आखिरी लाइन कहती है, अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को, इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने आज वहां पे पार्षदों ने सारा हंगामा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि ये जो डीएमसी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अभी ये 3 एमसीडी की 1 एमसीडी हुई। हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 एमएलए इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वोट डालने के लिए, उसमें बीजेपी को केवल एक ही एमएलए मिला है, 13 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमें ये सब कुछ चेंज करना होता तो हम उनके एमएलए का अधिकार भी छीन लेते। 14 एमएलए जो नॉमिनेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 50-50 होंगे, बीजेपी को केवल 1 एमएलए मिलता है और आम आदमी पार्टी को 14 में से 13 एमएलए मिलते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहां पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहां पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कोई एमसीडी में भी कोई ऐसी ऊटपटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई, ऐसा गुंडा राज नहीं चलता। तो वो हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पहले और क्या फर्क पड़ा। जब बहुत ही आराम से मैं वहां पर मौजूद था, जब एक पार्षद ने शपथ ली तो कोई कुछ नहीं बोला, जैसे ही दूसरे मनोनीत पार्षद ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में दिखाया कि उसके हाथ में चोट लगी है, सबसे पहले वो व्यक्ति खड़ा होकर माइक तोड़ने के लिए, जहां पर शपथ ले रहे थे, माइक तोड़ने के लिए पहुंच गया, उस माइक को तोड़ने लगा, हमारे पार्षद को मारने लगा। जब वो माइक तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया, माइक तोड़ते हुए तब उसको खून निकला माइक तोड़ते हुए। ये सारा वीडियो में आपको दिखाई देगा। और बाहर निकलकर वो कह रहे हैं कि हमें मार रहे हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी की 2 निगम पार्षद इस समय बैठी हैं, महिला निगम पार्षद, एक है श्रीमती अनीता जी, एक है श्रीमती इंद्र कौर जी।
ये दोनों महिला निगम पार्षद ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में पांच पांच पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा, इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। वो वीडियो में दिखाई देगा कि पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की महिला निगम पार्षदों को, और इनका ये कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आज जब दिल्ली की जनता नया मेयर का इंतजार कर रही थी तब उसने क्या देखा कि जिस पार्टी को बहुमत मिली वो आज वहां पर गुंडागर्दी कर रही है। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें ज्यादा ले गए इसका मतलब है कि वो वहां पर गुंडागर्दी करेंगे। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा, मनोनीत और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनमें कोई फर्क नहीं होता है। हम देखते हैं राज्यसभा में भी हमारे सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसको अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा में जहां पे सारे इलेक्टेड होते हैं उसको लोअर हाउस कहा जाता है। ऐसे ही एमसीडी में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको एल्डरमैन कहा जाता है। तो आप उनको एल्डरमैन कह रहे हैं मगर आप कह रहे हैं उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि मनोनीत जो हमारा मेंबर होगा वो पहले शपथ नहीं ले सकता। ऐसा कहीं संविधान में डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। तो अगर उन्होंने पहले शपथ ली और उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता, और उसके बाद में मेयर का इलेक्शन होता, जिसको ज्यादा वोट मिलती वो जीत जाता, सबके सामने आ जाता। तो आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, आज जो उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी करी है, ये हमारे अंबेडकर जी के संविधान जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मजाक उड़ाया है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के सारे निगम पार्षदों को वहां पर शपथ दिलाई जाए, मेयर दिल्ली को जल्दी मिले ताकि दिल्ली में काम होना, विकास होना जल्दी से शुरू हो सके। बहुत